भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है, जबकि एशिया में दूसरा। अगर भारतीय रेलवे के कुछ नेक्सस की बात करें तो देश में रेलवे ट्रैक की लंबाई 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। देश के अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले राज्यों को रेलवे नेटवर्क एक तार में जोड़ता है। रेलवे से लाखों करोड़ों लोग यात्राएं करते हैं, लेकिन शायद ही उन्हें कभी मुफ्त में यात्रा करने को मिली हो। ऐसा नहीं है कि इस खास रूट पर यात्रा करने का सौभाग्य कुछ खास लोगों को मिलता है। इस रूट के लिए किसी तरह की योग्यता या सरकारी सेवा की भी जरूरत नहीं होती। कोई भी आकर 13 किलोमीटर लंबे इस रूट पर मुफ्त में यात्रा कर सकता है और उसे चेक करने के लिए कोई टीटी भी नहीं आएगा। रेलवे का जो रूट मुफ्त है वो भाखड़ा नागर ट्रेन रूट है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्यों फ्री है रेलवे का ये खास रूट। भाखड़ा नागल ट्रेन भाखड़ा 20 मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से मैनेज की जाती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलने वाली ट्रेन का 13 किलोमीटर लंबा काफी खूबसूरत है। ट्रेन रूट सतलज नदी से होकर जाती है और इस रूट पर यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूला जाता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर भाखड़ा नागल बांध को देख सके। 70 सालों से इस रूट पर ये ट्रेन चल रही है। ट्रेन में पहले 10 बोगियां थी, लेकिन अब 3 ही रह गई है। ये सभी लकड़ी की बनी हुई है। इसे BBMB के कर्मचारी हेरिटेज देखते हैं और यहाँ आने वाले टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। ये ट्रेन रूट पहाड़ों को काटकर डैम तक जाता है। इसे देखने सैकड़ों यात्री आते हैं, लेकिन छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहाँ अलग अलग जगहों से सैकड़ों लोग आते हैं सैर करने। भाखड़ा नागर बांध को बनाते वक्त भी रेलवे के जरिए काफी मदद ली गई थी। इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ और मजदूरों मशीनों को ले जाने के लिए रेलवे ट्रैक बनाकर इस्तेमाल किया गया। बांध 1963 में औपचारिक तौर पर खुला और ये सबसे ऊँचे स्ट्रेट ग्रेविटी डैम के तौर पर मशहूर है। बांध का ऐतिहासिक महत्व होने के बाद भी इस रेल रूट का कॉमर्शियलाइजेशन नहीं किया गया, क्योंकि BBMB चाहती है कि अगली पीढ़ी इस विरासत को देखने के लिए यहां आती रहे। ट्रेन से भाखड़ा के आसपास के गांव बरमल्ला, स्वामीपुर, खेड़ा, बाग, काला कुंड, सलागढ़ी सहित तमाम जगहों के लोग यात्रा करते रहे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।